सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर क्लास ऑन जर्नल और आज मैं कुछ स्पेशल सम्स आपको कराता हूँ, कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स आपके सामने लेकर आता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ राजकुमार जो एक टिम्बर मर्चेंट है, मतलब राजकुमार के बुक्स में बिजनेस कर रहे हैं, राजकुमार के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं और वो एक टिम्बर मर्चेंट है, मीन्स ये टिम्बर खरीदते और टिम्बर बेचते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं बेचते हैं, अगर उसका नेचर स्टार्टिंग में आपको पता चल जाए, सोचो अगर आपकी मेडिसिन शॉप है, अगर आपके गारमेंट्स का काम है या आपके टिम्बर का काम है, तो वो पर्टिकुलर गुड्स को आप हमेशा गुड्स ही मानते हैं। मतलब क्या, अगर आप पहला ट्रांजेक्शन वो परचेज टिम्बर फ्रॉम कुलदीप कुमार, हम कुलदीप कुमार से टिम्बर खरीद रहे हैं, बेसिकली क्या होता है, कैश में खरीद रहे हैं उधार में भी खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात होता है कि सर परचेज लिखें या टिम्बर, तो आपको मैं जो बता रहा हूं कि आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले परचेज, क्या लिखेंगे सबसे पहले परचेज। सर क्यों टिम्बर क्यों नहीं लिख रहे, देखो जिस नेचर का आप बिजनेस करते हैं वो पर्टिकुलर कमोडिटी को आप हमेशा क्या समझते हैं, गुड्स, और गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज होता है, परचेज। देखना आम भाषा में भी जब आप अपने घर में भी देखते हो कोई बिजनेस आपका अगर है, तो जब उसके बारे में बात होता है कि सोचो आपके गारमेंट्स का काम है, तो आपको ये कहा जाएगा कि देखो पार्सल आया है या नहीं, सामान आया है कि नहीं, माल आया है या नहीं, लेकिन कभी भी वो गारमेंट्स वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। इसका मतलब क्या है, जो नेचर का बिजनेस होता है उसको हमेशा हम लोग गुड्स समझते हैं और गुड्स के लिए हमेशा दो ही वर्ड बना है, इधर परचेज और सेल। तो आप परचेज कर रहे हैं टिम्बर, लेकिन आप टिम्बर नहीं यूज करके क्या करेंगे, परचेज, क्योंकि आप खुद एक टिम्बर मर्चेंट हैं। तो एक हो गया परचेजेस, किससे खरीद रहे हैं, कुलदीप से, तो पहला तो होगा कैश, क्योंकि कैश में भी खरीद रहे हैं, और दूसरा हो जाएगा कुलदीप, क्योंकि उधार में भी खरीदा जा रहा है। परचेज को हम लोग एक बार रियल समझ लेते हैं, कैश को भी रियल और इसको पर्सनल। गुड्स इन हो रहा है डेबिट, कैश आउट हो रहा है क्रेडिट, कुलदीप कुमार से खरीद रहे हैं, ही इज अ पर्सनल अकाउंट गिवर, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो आपका जर्नल क्या बनना चाहिए यहाँ पे, सर जर्नल बनना चाहिए परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, टू होना चाहिए सर कैश, और टू होना चाहिए कुलदीप कुमार, कुलदीप कुमार। एंट्री कैसे करेंगे, टोटल आपने कितने का सामान खरीदा है, 12,000 का, जिसमें से कैश कितने रुपए का है, 2,000 का, और कुलदीप कुमार कितने का है, 10,000 का आपके उधारी हो गया। ये पॉइंट नंबर वन। अब टू पे मूव करिए, अब लिखा हुआ है पेड टू कुलदीप कुमार, मतलब पैसा क्या हो रहा है मेरा, जा रहा है, तो एक वर्ड क्या होगा सर, कैश होगा, रियल है, कैश जा रहा है, क्रेडिट किसके पास जा रहा है, कुलदीप कुमार, मीन्स कुलदीप कुमार इज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना, वो रिसीवर है, तो डेबिट। लेकिन सर पूरे पैसे नहीं दे रहे हैं हम, 9950 दे रहे हैं, जबकि कुलदीप कुमार हमसे 10,000 पाता था, तो 50 rupees का क्या हो गया, डिस्काउंट, क्या हो गया, डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो इसको हम लोग डिस्काउंट रिसीव्ड लिखेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि जब भी फुल सेटलमेंट होगा तो आपको डिस्काउंट अलाउ या डिस्काउंट रिसीव्ड यूज़ करना है। अगर आप कैश पे करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो ये हो जाएगा नॉमिनल, ये हो जाएगा क्रेडिट। तो सर जर्नल क्या लिखेंगे, तो सिंपली जर्नल हो जाएगा आपका कुलदीप डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अमाउंट कैसे लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे 10,000, कैश कितना दे रहे हैं 9950, और डिस्काउंट कितना हो रहा है 50 rupees। तो ये था आपका ट्रांजेक्शन नंबर वन एंड ट्रांजेक्शन नंबर टू। जब मूव करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर थ्री की तरफ, देखो थ्री में क्या होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ, थ्री में देखो क्या आ रहा है, पेड रेंट इन एडवांस। अगर आप रेंट एडवांस में पे करते हैं तो आपके लिए जर्नल क्या बनेगा, सर कल भी किए थे लास्ट वीडियो में भी, तो एक हो जाएगा सर प्रीपेड रेंट डेबिट टू रेंट, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि रेंट आपका खर्चा है, लेकिन जब उसको आप एडवांस में कर देते तब वो आपका खर्चा नहीं रहता, तो इसका सिंपल जर्नल आउटस्टैंडिंग के ऑपोजिट ही चलता है, प्रीपेड रेंट टू रेंट। फोर्थ में आइए, परचेज मशीनरी फॉर ₹1,00,000, जब आप मशीनरी परचेज कर रहे हैं ₹1,00,000 में, मशीनरी को खरीद रहे हैं चेक से, साथ में कैरेज लग रहा है 2,000 और इंस्टॉलेशन। एक बात बता दूं, जब भी आप कोई एसेट खरीदते हैं, मशीन हो, बिल्डिंग हो, एनी असेट, और उसके रिलेटेड जितने भी खर्चे उसके साथ होंगे
उनका अलग एंट्री नहीं होगा, वो पूरा का पूरा एंट्री एक साथ होगा। तो मशीनरी का वैल्यू, क्योंकि मशीन आप खरीद रहे हैं तो मशीन कमिंग इन, तो डेबिट हो रहा है, तो मशीन बिजनेस में आ रहा है, तो 1 लाख का तो मशीन था, 3,000 ऊपर से खर्चा हो गया, तो टोटल मशीन का वैल्यू आप लिखोगे 1,03,000, जिसमें से आप चेक से पेमेंट कर रहे हो, मतलब आप गिव कर रहे हो, दे रहे हो, और कैश, चेक कितने का है 1 लाख का और कैश कितने का है 3,000 का। तो इसका मतलब क्या है कि आपका चेक जा रहा है, आप गिवर हैं, क्रेडिट, कैश भी आपका जा रहा है, आउट हो रहा है क्रेडिट, 3,000 जो खर्चा हुआ वो कैश में हुआ इसीलिए 2 कैश, और चेक से पेमेंट किए इसीलिए 1 लाख। नंबर 5th में आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5th नंबर, देखो क्या बोला, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 फ्रॉम गोविंद। आपने गोविंद से 50,000 का सामान खरीदा, 2 वर्ड सर क्या होगा, सर एक परचेज होगा एक गोविंद होगा, परचेज मीन्स गुड्स इन हो रहा है, डेबिट टू गोविंद क्योंकि गोविंद गिवर है। तो सर पहला जनरल तो बड़ा सिंपल सा था, परचेज अकाउंट डेबिट कर दीजिए और टू कर दीजिए गोविंद 50,000, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफ़ी बार आप भी सीख चुके हैं। अब ये सामान आप कहिए क्या, आप मनोहर को बेच दिए 65, ऑब्वियसली प्रॉफिट जोड़ के बेचे, मेरा गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है सेल, किसके पास जा रहा है, मनोहर, मनोहर इज द रिसीवर, तो जनरल क्या बनना चाहिए सर, जनरल बनना चाहिए मनोहर डेबिट टू सेल्स। तो आपने 65,000 में क्या किया, गुड्स को बेच दिया, हो गया। अब क्या हुआ सर, अब मनोहर इसमें से 13,000 का सामान आपको लौटा दिया, तो मनोहर के लिए क्या जनरल था, मनोहर टू सेल। जब भी रिटर्न होता है तो मैं आपको कहता हूं कि आप देखो आपने पहले उस पार्टी के साथ क्या ट्रांजैक्शन किया था, आपने मनोहर को सामान बेचा था, अब रिटर्न आ रहा है तो मतलब ये सेल रिटर्न है, गुड्स वापस आ रहा है, तो जनरल क्या बनना चाहिए, जस्ट रिवर्स कर दो इसका, सेल ऊपर जाके सेल्स रिटर्न बन जाएगा और टू मनोहर कर दो, क्या कर दो, टू मनोहर 13,000, कितना हो गया 13,000। 3. 4th क्या है, अब ये सामान आप गोविंद को लौटा दिए, बात को थोड़ा समझना, जब आप गोविंद से खरीदे 50,000 का सामान, मनोहर को बेचे 65,000 में, जब मनोहर 13,000 का गुड्स रिटर्न कर रहा है, एक्चुअल वो 13,000 में प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, लेकिन जब आप वही सामान गोविंद को लौटाएंगे तो उसका वैल्यू 13,000 नहीं होगा, क्योंकि 13,000 से कम होगा, क्योंकि गोविंद वाले पैसे सामान को मैंने प्रॉफिट जोड़ के, देख रहे हो 50 से 65 पर के बेचा था। तो जब इसका एंट्री पहले हम लोग कर लेते हैं, एंट्री होगा गोविंद डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये तो आपने कर लिया सर, इसका अमाउंट कैसे निकालोगे, देखो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, जस्ट आप लिखोगे 50,000 डिवाइडेड बाई 65,000, जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस था वो लिखोगे, डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस लिखोगे, और इनटू जितना का रिटर्न आया, तो ये आ जाएगा आपका 10,000, कितना आ जाएगा 10,000, ये हो गया आपका ट्रांजेक्शन नंबर 5। अब हम मूव करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 6 की तरफ, देखो 6 में क्या बोला गया, 6 में बोला गया कि आप 20,000 का सामान मनोज को बेच रहे हैं, तो मेरा गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है, सर किसके पास जा रहा है, मनोज के पास, तो जनरल क्या बनना चाहिए, मनोज रिसीवर है, डेबिट होना चाहिए सर, टू क्या होना चाहिए, सेल्स, ये तो बात सही है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड टू मनोज एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा इसका वर्किंग थोड़ा सा कर दीजिए, आपके सामान का कॉस्ट प्राइस कितना था 20,000, उसमें सबसे पहले हम लोग क्या जोड़ते हैं, प्रॉफिट, क्योंकि कभी भी कस्टमर को ये नहीं पता होता है कि एक्चुअल में आपका कॉस्ट प्राइस क्या था, तो आप जोड़ दोगे, तो सेलर जोड़ कर कस्टमर को बोलता है 24, तो हम भी मनोहर को क्या बोलेंगे, भैया 24,000 का सामान है। अब उस पर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा सर, 24,000 का 10% 2,400, तो एक्चुअल में सामान कितना का बेचा हमने, 21,600 का, तो आपका जो जर्नल होगा वो होगा 21,600 डेबिट एंड 21,600 क्रेडिट। ये था आपका पॉइंट नंबर 6। अब हम मूव करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 7 की तरफ, देखो 7 भी बहुत ही अच्छा ट्रांजेक्शन है, इसमें हुआ क्या, इसमें हो रहा है कि सोल्ड गुड्स टू सेट, जब आप ये चीज़ देखते हैं तो आपको एग्जैक्टली यही आता है, तो आप क्या लिखेंगे, सर गुड्स बेच रहे हैं, तो टू सेल्स किसके पास जा रहा है, जेड के पास,
जर्नल क्या होगा? जेड टू सेल्स अकाउंट। सर पहला काम तो ये हो गया, कितने रुपए का सामान था? 10,000 का, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट 20% मतलब 2,000 आप बेच माइनस कर दो, तो एक्चुअल में आपको 8,000 का सामान आपने बेचा। ये हो गया ट्रांजेक्शन। मैंने कल भी बताया था ट्रेड डिस्काउंट कभी भी एंट्री नहीं होता है, जस्ट उसको क्या कर देते हैं हम लोग, डिडक्ट कर देते हैं। अब बोल रहा है कि नेक्स्ट डे अ चेक वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिम, नेक्स्ट डे उससे चेक मिला। देखो चेक अगर सेम डे जमा हो जाए तब तो चेक के लिए बैंक वर्ड यूज़ करोगे, चेक अगर सेम डे जमा नहीं होगा तो कैश वर्ड यूज़ करोगे। तो यहाँ लिखा हुआ है चेक रिसीव किए आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, मतलब सामने वाला पार्टी 5% डिस्काउंट काट लिया, मतलब डिस्काउंट अलाउड हो गया, चेक हमने उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, तो चेक आ रहा है। सर पहले तो हम लिख लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, चेक कौन दे रहा है? जेड, ये तो समझ में आया, लेकिन चेक पूरा नहीं दे रहा है तो डिस्काउंट तो हो रहा है। अब कन्फ्यूजन इसको लेके होता है कि सर डिस्काउंट अलाउड लिखें या डिस्काउंट रिसीव्ड। देखो पैसा आपको मिल रहा है तो डिस्काउंट आप दोगे, तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड डेबिट। अब सर अमाउंट कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जेड को फिलअप करो, क्योंकि जेड का वैल्यू आपको पता है 8,000 था पहले वाले जर्नल में, आपने 8 का सामान बेचा। डिस्काउंट सर कितना हुआ? 8,000 का सर 5% कर दीजिए, जनरली 400 होता है, तो यानी आपको बैंक में कितना मिला? 7,600। तो ये था आपका लास्ट ट्रांजैक्शन, पॉइंट नंबर 7। तो ये था आपका 7 नंबर। अब आपको करना क्या है, इस तरह के कुछ ट्रांजैक्शंस और हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी थोड़ा टफ जर्नल्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, टफ ट्रांजैक्शंस, जिसके बाद आप सारे सम्स अपने बुक से खुद ही प्रैक्टिस कर पाओगे।